मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर को छठवें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा तथा यह कार्यक्रम 1:30 पर शुरू होगा, जिसकी मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल होंगी तथा दीक्षांत समारोह में 1174 बच्चों को डिग्री दिया जाएगा, जिसमें 831 छात्र एवं 343 छात्राएं हैं, जिसमें बीटेक के 782, एमटेक के 199, एमएससी भौतिक गणित के 40-40 छात्र, एमसीए 60, एमबीए 66, पीएचडी 26 छात्र शामिल हैं। दीक्षांत समारोह के दौरान कुलाधिपति राज्यपाल द्वारा उपाधि पंजिका डिग्री रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ ही सभी छात्रों की उपाधि डिग्री डिजी लॉकर पर अपलोड की जाएगी। उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय की डिग्री उच्च मानकों की सुरक्षा फीचर से लेस है तथा डिग्री को पानी में डाल देने पर भी उसकी स्याही को मिटाई नहीं जा सकेगी और डिग्री पर QR कोड होगा, इसे स्कैन कर असली और नकली में फर्क किया जा सकेगा तथा डिग्री विशेष कागज की बनी है जिसे आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में कुल 35 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कुलाधिपति स्वर्ण पदक 1, कुलपति स्वर्ण पदक 16, प्रायोजित स्वर्ण पदक 18 शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा, पुराने वाइस चांसलर रहे हैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, आईआईटी रुड़की के फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, एमेरिटस प्रोफेसर हैं ये आईआईटी दिल्ली के, और ये प्रो चांसलर हैं नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, लोग उनको सुनेंगे बहुत अच्छा, हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश भी अच्छा बोलते हैं, तो हिंदी में ही बोलेंगे, वो अच्छा है, बहुत अच्छे एकेडमिशियन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं। इस कन्वोकेशन में हम लोगों ने जो हम लोगों की PhD है वो पिछले वर्ष कितने थे, 15 थे ना, पिछले वर्ष 15 PhD हम लोगों ने दिया था, इस बार ये संख्या बढ़ के 26 हो गई। ये कागज आपके पास है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, मैं जिसमें 18 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो हमारा लड़कियों का परसेंटेज भी ठीक है, नॉर्मली हम लोग 20% एडमिशन लेते हैं, बट PhD में कोई हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं। एमटेक में हमारे टोटल 199 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिनमें 120 डिग्रियां हम लोगों की लड़कों को दे रहे हैं और 79 लड़कों को दे रहे हैं। MSc फिजिक्स में 23 और मैथ में 17 मिला के कुल 40 MSc के छात्र हैं जो इस दीक्षांत समारोह में डिग्री पाएंगे। सर इसकी खासियत यह है कि इसको पानी में डाल दीजिए कोई चीज मिटेगी नहीं, ठीक है, फटेगी नहीं, फटता एक एक साइड से, मतलब बड़ा यूनिक टियरिंग होती है, बट ये नॉट टियरेबल है। दीक्षांत समारोह हमारा 15 दिसंबर को 1:30 से प्रारंभ होगा और ये 2 घंटे के करीब कार्यक्रम चलेगा। इनमें 1174 बच्चों को हम लोगों को डिग्रियां देनी है और 36 गोल्ड मेडल और हम लोगों को मेडल देने हैं छात्रों को इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा किया जाएगा, इसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेमव्रत हैं जो BOG के चेयरमैन हैं, IIT मंडी के और IIT IIMS धनबाद के। कुल 35 गोल्ड मेडल हैं हमारे, जिसमें से 21 मेल छात्रों को है और 14 फीमेल छात्रों को है। जो टॉपर है उस छात्र का नाम है अमित यादव और ये कुलाधिपति स्वर्ण पदक के साथ ये 6 मेडल और पाएगा, तो ये हमारा ओवरऑल टॉपर, आप इसे कहें कि ये हमारा छात्र है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल उसको 6 मेडल मिलेंगे इस कन्वोकेशन में। विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि ये तो इस बार हम लोग थोड़ा पिछड़ गए, नहीं तो पहले परंपरा ये रही है कि पूरे प्रदेश में सबसे पहले कन्वोकेशन इस विश्वविद्यालय का होता था, लेकिन पिछले कोरोना काल में भी फिजिकल जो कन्वोकेशन हुआ वो हम लोगों का पहले हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा हम लोग थोड़ा पीछे हैं,
और बाकी तैयारियां जैसे पहले होती थी वो अभी भी तैयारियां, इसमें तैयारियों में पूर्व की तरह भांति पूरी तैयारी है। 1:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और इसकी अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा किया जाएगा। हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, हर ब्रांच के छात्रों को अधिकतम सीमा कितने 70 छात्रों तक की सीमा करी है हमने, सबको बुलाया है। इस बार छात्रों को हम लोगों को उनका सुबह का ब्रेकफास्ट लंच, जितने भी छात्र आ रहे हैं हमारे अतिथि के रूप में आ रहे हैं, उनको वहीं पे जो मल्टीपर्पज़ हॉल है उसके बगल में उन लोगों को बुफे सिस्टम से उनको नाश्ता देंगे और खाना लंच देंगे। और जो छात्र मल्टीपर्पज़ हॉल में सजीव प्रसारण नहीं देख पाएंगे वो हमारे लाइव टेलीकास्ट होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम जो सभी विभागों में एक एक है हमारे पास, तो उन छात्र कक्षों में बैठ के वो उसका प्रसारण देखेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की वेबकास्टिंग भी की जा रही है और वो YouTube के लाइव चैनल से वो उसका भी। अल्मुनाई तो हमेशा वो हमारे अतिथि हैं, हम सबके सभी अल्मुनाई को आमंत्रित किए हैं, जो भी अल्मुनाई आएंगे उनका हम सम्मान करेंगे। नहीं नहीं, वो दूसरी चीज़ है जो आप बोल रहे हैं, वो एल्मुनी मीट होती है वो हर वर्ष है, वो इस बार हम लोग 3 बैच का एक साथ योजना हम लोगों ने अभी पीछे हफ्ते बनाई है कि 3 बैचों का जो उनका गोल्डन जुबली मनाते हैं, सिल्वर जुबली, तो सिल्वर जुबली उनका होगा और विश्वविद्यालय का डायमंड जुबली होगा, वो हम लोग एक साथ कार्यक्रम करेंगे, वो बहुत बृहद पैमाने पे होगा, उसमें विदेश से भी आएंगे देश से भी आएंगे और हम उस समय सभी एलमुनाई का सम्मान करेंगे। दूसरा, जो पीछे कोरोना की वजह से एलमुनाई मीट हमारा रुक गया था, 25 दिसंबर को हुआ करता था, वो इस बार हम लोग शुरू कर रहे हैं। केवल इस बार एक लिमिटेशन ये है कि जो गोरखपुर के आसपास के जो एलमुनाई है उनसे हम लोग एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिससे कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है कोरोना की वजह से वो टूट जाए और एक हम लोग धीरे धीरे पटरी पे आए। तो ये 25 से शुरू करेंगे, लेकिन जो आपका आशय जिस कार्यक्रम के लिए है वो एक बृहद पैमाने पे होगा, वो उस 6 या 7 महीने के बाद हम लोग आयोजित करेंगे।